हाय गाइस, दिस इज ईशान एंड यू वाचिंग भाई का यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे बिल्कुल मेरी तरह। और मेरी लास्ट वाली वीडियो में मन की बात एपिसोड 1 में इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। और अभी मैं आया हूँ उत्कर्ष भाई के शॉप में और मिलवाता हूँ आपको उत्कर्ष भाई से। अगर उनकी लास्ट वीडियो नहीं देखी गुप्ता बाइकिंग गियर्स वाली तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उसमें देख लो। और जैसा कि आप 2-3 वीडियोस से देख ही रहे होगे कि मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ ट्रैवल लॉग आने वाला है, रोड ट्रिप करने वाले हैं, पर हो नहीं पा रहा था, स्किप हो जा रहा था। तो अब बहुत जल्दी आपके लिए मैं लाने वाला हूँ रोड ट्रिप एक, और होगी कहाँ वो आपको पता चलेगा मेरे इंस्टाग्राम पे। तो ऊपर आई बटन पे उसका भी लिंक आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जाके फॉलो कर लेना। और आज भी मैं आया हुआ हूँ उसी से रिलेटेड एक काम के लिए। कई टाइम से मैं अपनी बाइक के लिए एक चीज़ ढूंढ रहा था जो कि मुझे ना ऑनलाइन मिल रही थी ना कहीं मिल रही थी, पर उत्कर्ष भाई से बोला तो उन्होंने अरेंज करवा दी मात्र 3 दिन में। तो अब वो दिखाते हैं आपको क्या है वो जिसके लिए इतना इंतज़ार किया मैंने। तो भाई ये है हमारे उत्कर्ष भाई। हाय फ्रेंड्स। और अगर गुप्ता बाइकिंग गियर्स वाली वीडियो आपने देखी होगी तो आप पहचान ही गए होंगे। और ये एक हमारा भाई यहाँ पे आया है, इसी ने मुझे रिकमेंड करा था यहाँ पे आने के लिए राइडिंग गियर्स के लिए। तो उत्कर्ष भाई कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। और जो लास्ट प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी उससे कुछ फर्क पड़ा? बिल्कुल, कोई आता है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, काफी लोग आए हैं, आपने जो रिकमेंड करे थे जी उससे भी आए हैं काफी लोग, दूर दूर से आए काफी दूर दूर। चलो बढ़िया है भाई, थैंक यू सो मच, मेरी इतनी बात मानते हो तुम लोग, उसके लिए आगे भी बहुत बहुत प्यार देते रहना। मैं भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा। और अब बिना देर करे उत्कर्ष भाई से मांगते हैं वो चीज जिसके लिए मैं इतने टाइम से तड़प रहा था। तो दिखाओ उत्कर्ष भाई क्या है वो। ये आपका पीछे का बैक कैरियर है जो आपने मंगाया था ना अपनी बाइक के लिए, तो आपको एक एक्स्ट्रा लगेज पीछे टांगने के लिए आपको एक चाहिए था जी। तो ये था भाई वो लगेज कैरियर। और इसके अलावा आपके पास लद्दाख कैरियर वगैरह भी मिल जाएगा? लद्दाख कैरियर मिल जाएगा। अच्छा, और क्या रेंज क्लासिक का मिल जाएगा? वो अराउंड सब कुछ फिटिंग वेटिंग सब कुछ करके दे देते हैं, वो 1500 के आसपास का होता है। अच्छा, और अच्छी क्वालिटी का है वो, ये तो सिर्फ 350 रुपये का। अच्छा, और इसमें अपना जैसे रॉयल एनफील्ड की जितनी बाइकें होती हैं उन सब में लग जाएगा या सबकी फिटिंग के अलग? फिटिंग की अलग अलग होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उन सबका प्राइस सिमिलर ही होगा? ऑलमोस्ट सिमिलर है। पीछे बैक कैरियर होता है जिसमें पीछे कुशनिंग भी होती है, वो भी मिल जाएगा। अच्छा, वो भी ज्यादा महंगा नहीं है। हर किसी के लेग गार्ड आते हैं, लेग गार्ड एक्सेसरीज भी मिल जाएंगी, बैग अच्छा। होते हैं, बैग भी मिल जाएंगे। मतलब मोस्टली बाइकों की आपकी आपके पास लगभग सारी एक्सेसरीज मिल जाएंगी? हां, एनफील्ड की ऑलमोस्ट। तो भाई अपना बैक रेस्ट कम कैरियर मैंने दे दिया है फिटिंग के लिए, अभी यहाँ पे फिटिंग होगी और लगने के बाद दिखाता हूँ कैसा लगता है। यहाँ पे सीट में लगेगा ये, और अब जब तक इसकी फिटिंग होती है अंदर चलते हैं। उत्कर्ष भाई के पास कुछ नई चीज़ें भी आई हैं वो दिखाता हूँ आपको। बैकरेस्ट दे दिया है लगाने के लिए फिटिंग के लिए, और अब इसके अलावा हम आपको एक और स्पेशल चीज़ जो उत्कर्ष भाई ने ऐड करी है अपने स्टोर में वो दिखाते हैं। JS फिल्म JS पाजी के आप अगर व्लॉग देखते होगे तो उसमें जो शूज़ रिकमेंड करते हैं और ख़ुद भी यूज़ करते हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। उत्कर्ष भाई एक बार दिखाइए हमें। तो ये ओराज़ो के राइडिंग बूट्स हैं बेसिकली। ओराज़ो ये बहुत टाइम पहले से ये सेफ्टी बूट्स बना रहे थे कंपनी के लिए, अब इन्होंने राइडिंग बूट्स भी बनाने स्टार्ट किए और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी। ये एक्चुअली दो टाइप में आते हैं, इसमें आपको एक तो ये वेलक्रोज वाले आते हैं और एक इसमें लेसेस वाले आते हैं, तो इसमें आपको इनसे भी लंबे मिल जाएंगे। और इनकी खास बात यह है कि इसमें स्टील टो है आगे। स्टील टो मतलब? ये स्टील टो है, इसमें आप ये देखो कितनी बॉटल बजा लो इसमें कुछ नहीं होगा, ये दबेगा भी नहीं। अच्छा, और इसके अलावा ये वाटरप्रूफ भी है? वाटर रेजिस्टेंट है ये। अच्छा। वाटर रेजिस्टेंट है, एंटी स्लिप है, ब्रीदेबल है, मतलब जितनी सी सर्टिफाइड है जितनी इनमें चीजें एक शू में होनी चाहिए वो इसमें सारी खासियत है इसमें। अच्छा। और इसकी MRP सिर्फ 3900 है। अच्छा, और इसमें हमें और इससे ज्यादा हाई एंकल भी मिल जाएगा। और अगर लेस में कोई लेना चाहे लेसेस में मिल जाएगा। इसमें एक्चुअली 4 टाइप आते हैं, इसमें एक ये शॉर्ट में आते हैं वेलक्रोज में, एक शॉर्ट में लेसेस में आते हैं, एक इनसे बड़े आते हैं वो लेसेस में भी आते हैं और वो भी वेलक्रो में आते हैं। दोनों टाइप के इसमें मिल जाएंगे, बेसिकली टोटल 4 टाइप के हैं। और इसमें ये जो थ्रेडिंग है ये जो रखी है जैसे जो थ्रेड है ये इसमें वाइट कलर है, इसमें एक ऑरेंज कलर में भी आती है। अच्छा, जैसे जो अपने KTM वाले भाई होते हैं तो KTM की पूरी थीम ब्लैक और ऑरेंज में है तो वो भी ले सकते हैं ये। और स्पोर्ट्स बाइक हो, क्रूजर हो, कोई डोमेस्टिक चलाते हो राइड पे जाने के लिए, कोई भी यूज कर सकता है इसे। इनकी खास बात यह है कि इन्हें आप डेली यूज़ में भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं,
जो मैं आपको पहले भी बता रहा था पिछली वाली वीडियो में कि लोगों के अंदर ये मिथ है कि जैसे इन जूतों के बारे में भी लोग सोचेंगे कि हम डेली में क्यों यूज़ करें, ये करें, जो डेली ट्रैवलिंग के बंदे हैं वो इसे बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है, हम रोड पर निकलते हैं तो इस पर बाइक चढ़ जाती है, कई बार हमारे पैरों पर एक बहुत कार चढ़ जाती है, तो वो सब चीज़ों से बिल्कुल बचाएगा आपको, पानी से बचाएगा, छोटी मोटी रेन होगी उनसे भी बचाएगा। और इसके सारे साइज आपके पास अवेलेबल होंगे भैया? हाँ जी, इसमें साइज आता है 6 नंबर से लेके 12 नंबर तक यूके साइज, अच्छा, तो वो सारे साइजेस अवेलेबल हो जाएंगे इसमें। तो भाई जितने भी राइडर्स हैं हमारे भाई लोग यहाँ साहिबाबाद या दिल्ली एनसीआर में, यहाँ से आसपास में, तो एक बार आके ये जरूर देखना, और प्राइस भी जेन्युइन है बिल्कुल, और इसमें भी भैया कुछ नेगोशिएबल हो पाएगा हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, आएंगे तो बिल्कुल जो बेस्ट डिस्काउंट होगा वो मिलेगा। और भाई यहाँ पे कुछ नए हेलमेट्स भी दिख रहे हैं मुझे, जो कि पिछली बार नहीं थे, और इन हेलमेट्स के अलावा भी बहुत सारी वैरायटी है उत्कर्ष भाई के पास। जैसे कि आप बाहर देखोगे वहाँ पे भी बहुत सारे बॉक्स रखे हुए हैं हेलमेट के, और अंदर गोडाउन है वहाँ भी बहुत सारे हेलमेट्स हैं। तो जैसा कि एक ये दिखाऊँ आपको, ये भी पिछली बार नहीं था, इस बार नया दिख रहा है। तो जैसा कि ये देख सकते हो भाई, MT का हेलमेट है, चेन वाला इसमें वो दे रखा है डिज़ाइन, और साइड में से ऐसा रहेगा वो, ये चीज़ है भाई, चीज़ अलग ही लुक देगा रोड पे अगर आप इसे पहन के बाइक चलाओगे। उत्कर्ष भी है, इसका प्राइस क्या है MT वाले हेलमेट का? ये इनकी बेसिक रेंज है, जैसे MT मजेलो करके आता ही है, तो ये वाला वैसे 4600 है इनकी MRP जो है, बाकी जो डिस्काउंट होगा। अच्छा, के लिए वो है। और इसमें कुछ और एक्स्ट्रा कुछ चीजें, मतलब कुछ खास बातें इसकी, इसमें एक्चुअली पिन लॉक रेडी है, तो इसमें बस आपको फिल्म लगाने की जरूरत है, इसमें पिन लॉक लगे लगाए जाते हैं, बाकी इसमें आप इजीली ब्लूटूथ लगा सकते हैं। अच्छा, ब्लूटूथ भी कंपैटिबल है? हाँ, .EC सर्टिफाइड है, शार्प रेटिंग है इसकी, रिमूवेबल पैडिंग है। अच्छा, और ये ब्लूटूथ वाले हेलमेट जैसे आजकल बहुत चल रहे हैं, इनमें और भी कुछ वैरायटी है आपके पास ब्लूटूथ वाले हेलमेट में? नहीं, ब्लूटूथ वाला जैसे ये आता है स्टील वर्ड का, ये हैंड्स फ्री करके ही आता है। अच्छा, ये स्टील वर्ड वालों ने लॉन्च किया था। अब इसमें क्या है, इसमें मैकेनिज्म ऐसा दे रखा है, इन्होंने ऑक्स केबल साथ में दे रखी है, तो इधर लग जाता है वो। अच्छा, ऑक्स केबल, और इसी के साथ ऑक्स केबल आती है, ये एक सिंगल बटन है, ये इसी सिंगल बटन से प्ले पॉज, फोन कट जाता है, फोन उठ जाता है, इसी सिंगल बटन से हो जाता है सब कुछ। और इसकी क्या रेंज है भैया? ये 2589 है इसकी जो MRP है। अच्छा, और इसके अलावा एक ये ऑफ रोड बाइकिंग वाला हेलमेट दिख रहा है, लेपर्ड प्रिंट में, स्क्रैच रेजिस्टेंट वाइजर है, और स्टड्स का हेलमेट है बेसिकली, और प्रिंट तो है ही है इसका ज़बरदस्त, जैसे अगर कोई अपना KTM वाला भाई बंधु हो तो वो ले सकता है ये, और काफ़ी लाइट वेट भी है, और कुल मिला के अच्छा हेलमेट है। तो भाई जो मेरी बाइंग न्यू राइडिंग जैकेट वाली वीडियो थी, उसमें कुछ भाई लोग पूछ रहे थे कि जो PGS की 3000 समथिंग वाली प्राइस वाली जो जैकेट है वो तो दिखाई नहीं, तो इस वीडियो में आप देख लो। तो उत्कर्ष भी आप एक बार मुझे वो वाली जैकेट भी दिखा दो, और उसका प्राइस वगैरह और जो भी उसकी बिल्कुल सब बता दो। बिल्कुल, ये वाली जैकेट बहुत मिस करी लोगों ने। ये है PGS की जैकेट है ये। और इसका प्राइस और स्पेसिफिकेशन वगैरह? प्राइस इसका बताता हूँ बाद में, पहले इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। ये जहाँ तक मुझे आइडिया है, ये शायद इंडिया में शायद सबसे सस्ती है जो लेवल 2 आर्मर दे रही है। अच्छा, अगर कोई कंपनी तो इनके लेवल 2 आर्मर है हर जगह, बैक फोम लेवल 2, शोल्डर लेवल 2, और फिर इसके आर्म्स भी, एल्बो भी लेवल 2। इसमें अंदर रेल लाइनर आ रहा है, और रेल लाइनर आता है, इसका जो फैब्रिक है वो 600D का हैवी ड्यूटी। अच्छा, जो ये कपड़ा जो इन्होंने यूज़ किया है वो 600 Dynear होता है, तो उसका है। और बाकी ये लेवल 2 आर्मर दे रखा है इन्होंने रेन लाइनर इसमें दे रहे हैं, और इसमें मैश पैनल्स और 3M स्कॉच लाइट है, वाई के जिपर्स, मतलब वर्ल्ड क्लास इन्होंने ये जैकेट बनाई है। वो रिफ्लेक्टर्स कौन सा? स्कोर ये? हाँ, ये रिफ्लेक्टर्स बेसिकली रात में रिफ्लेक्शन का काम करते हैं। तो जो आपने देखी थी ना, ये उसकी छोटी भाई या छोटी बहन आप समझ लो, डिटैचेबल है, बाकी सारे आर्मर और सब कुछ इसमें डिटैचेबल है। अच्छा, हाँ जी। और इसका और प्राइस भी? सबसे बड़ी बात है लेवल 2 आर्मर है इसका। और अगर आप आर्मर भी देखेंगे, इसका आर्मर बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है इसका आर्मर, क्वालिटी
क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसमें, एयर फ्लो के लिए इन्होंने बहुत अच्छा दे रखा है, मैश भी इनका बड़ा बड़ा है, एडजस्टेबल वेलक्रोज हैं सब में, सारे एडजस्टेबल वेलक्रोज हैं। और इसका प्राइस है सिर्फ 3900। अच्छा, और उसमें भी थोड़ा डिस्काउंट है या फिक्स है? हाँ, आपके सब्सक्राइबर्स को थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच भैया, देख लो भाई इतनी सस्ती जैकेट में भी डिस्काउंट मिल रहा है, तो जल्दी से आओ लूट जाओ। और एक बार पहन के भी दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि वो वाली कैसी लगती है पहनने के बाद और ये वाली कैसी लगती है। तो भाई ये है वो PGS वाली जैकेट, और अब मैं इसे पहन के दिखाता हूँ और देखो फिटिंग कैसी आती है। ये जो है XL साइज़ की है, तो आप अपने साइज़ के हिसाब से देख सकते हो जो भी आपको साइज़ सूट करे। इसकी फिटिंग उससे ज़्यादा अच्छी आ रही है सही बताऊँ तो, एक बार चेन लगा के भी देख लेते हैं। और यहाँ पे दे रखी है वेलक्रो, मेरी वाली जैकेट में यहाँ पे एक टिच बटन था, इसमें वेलक्रो दे रखी है, पर दोनों ही अपनी अपनी जगह सही रहते हैं। और ये देख लो ये है फिटिंग, सारे आर्मर्स इसमें भी हैं। और सबसे बड़ी बात, इस प्राइस में आपको लेवल 2 आर्मर्स की जैकेट और किसी कंपनी में नहीं मिलेगी। और बाकी आप देख ही सकते हो यहाँ पे पूरा आपको चेस्ट में और यहाँ पे हाथ के लिए आपको मैश मिल जाएगा, जिससे कि एयर फ्लो बना रहता है वेंटिलेशन के लिए। और फिटिंग देख लो गाइस, ना इतनी कोई ज़्यादा फूली फूली सी लग रही है और ना ही बिल्कुल टाइट हो रही है कि मुझे अपना पेट अंदर करना पड़े, तो मेरे जैसे जो पेट वाले भाई हैं उनके लिए भी अच्छी रहेगी ये जैकेट, कोई इसमें दिखेगा नहीं आपका पेट या। और फिटिंग भी इतनी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात आपको लेवल 2 के आर्मर्स मिल रहे हैं इसमें। तो भाई जैकेट देख ली आपने कैसी है, उसकी फ़िटिंग कैसी है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है और कितने की है, वो सब आपको बताया। तो अब आपकी मर्ज़ी है आपको कि जैकेट कौन सी लेना चाहते हो, यहाँ पे आओ देखो। और होने को इससे अच्छी अच्छी जैकेट्स भी हैं, पर जिनका थोड़ा लो बजट होता है या मीडियम सा बजट होता है उनके लिए भी ये जैकेट आ गई है यहाँ पे। तो जल्दी से आओ और अपने पहले राइडिंग गियर्स यहीं से लेना, जितने भी अपने दिल्ली NCR वाले भाई हैं। तो अब चलते हैं, और बाइक का काम भी हो गया है, पूरा कैरियर उसमें लग गया है, वो देखते हैं और फिर निकलते हैं घर, क्योंकि तो भाई लगने के बाद कुछ ऐसा दिखता है ये कैरियर। यहाँ देखो, यहाँ पे अपना आ जाएगा सामान, और अगर बिना पिलियन के भी अगर आप राइडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे पूरा आपका अच्छा खासा सामान आ जाएगा, यहीं से ही आप बांध लो। और लुक भी इतनी ख़तरनाक वाली आ रही है इसकी, ये देखो, और मात्र 350 रुपये में आपको इतना अच्छा कैरियर कहीं नहीं मिल सकता। ये तो भाई कैरियर लगा के मैं चला गया था सीधा कड़कड़डूमा डिकैथलॉन, लेना था मुझे वहाँ से एक ट्रैवलिंग बैग, जो कि मैं ले आया हूँ, पर दिखाऊंगा आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को कर देना सब्सक्राइब ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। और अगर किसी प्रोडक्ट को लेके कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर मिलेगा आपको वेडनेसडे को मन की बात एपिसोड 2 में। तो मिलते हैं सीधा मन की बात एपिसोड 2 में, टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, फिर मिलेंगे, चलते चलते।